महिलाओं का सिलेक्शन हो जाता है, फिर उनका पासपोर्ट वीज़ा वगैरह सब कुछ बना देते हैं, फिर वो हमारे देश में पहुंचती है हवाई जहाज से। जो महिला कभी अपने गांव से निकल के अपनी कैपिटल भी नहीं देखी होगी, वो महिला इतनी हिम्मत करके दिल्ली तक पहुंचती है। फिर दिल्ली हम उनको एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं, बैरफुट कॉलेज, बैरफुट कॉलेज। तो कुछ कुछ तो वहाँ उनके साथ जो भेजने वाला ग्राउंड पार्टनर है हमारा, वो भी उनके साथ कुछ ऐसे कागजात दे देते हैं। तो फिर एक दूसरे को पहचान करके हम उनको गाड़ी में बिठाते हैं, तिलोनिया लाते हैं। तो तिलोनिया आके वो फिर बहुत चक्की हो जाती है, उनकी दुनिया अलग होती है, हमारी दुनिया अलग होती है। खान पान, रहन सहन, उनका कल्चर, फूड हैबिट, सब कुछ डिफरेंट होता है। लैंग्वेज नहीं है, बहुत तकलीफ होता है। तो 1 महीना दोनों को तकलीफ होती है, उनको भी होती है, हमको भी होती है। और एक दूसरे को झेलते हुए, सहन करते हुए काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। फिर धीरे धीरे 1 महीने बाद वो भी एक्मलाइज होती है, हम भी धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाते हैं। ठीक फिर है। वो एडजस्ट करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और 6 महीने जब पूरे होते हैं, तो जब जाने का टाइम होते हैं, तो फिर इमोशंस आते हैं उनमें कि हमारी लाइफ में ये इंडिया में आना पहले बार और अंतिम बार है। और ऐसा फैसिलिटी मिला, एक परिवार के साथ रहे, प्यार जो मिला। एक जो प्यार मिला वो कहीं भी हमारे, तो वहाँ भूखों मर रहे थे हम सब। तो वो स्थितियाँ इनको देखने को मिलती है। जब वो लौटती है तो एक इनकी जो इनकम होती है उसमें से 1-1 हजार डॉलर अच्छा, प्रतिमा, मतलब साल, वो 6 महीने का वो अपने घर भी ले जाती है, क्योंकि 6 महीने घर से दूर रही है। तो 1 हजार डॉलर परिवार को सपोर्ट करे जाके, 6 महीने में कि 1 महीने में 1 हजार डॉलर? छह महीने छह महीने में 1 हजार डॉलर। हाँ, 25 हजार रुपया प्रतिमा उनको एमईए अच्छा देता है, जैसे अच्छा 10 हजार एमनिस्टी अच्छा देती है अच्छा अच्छा एमएनआरई, अच्छा तो अच्छा इनके लिए 25 हजार रुपया मिलता है प्रतिमा। वहाँ पर अब इनको हम कैश देते हैं प्रतिमा 2 हजार रुपया, 4 हजार का मोबाइल फोन रिचार्ज करवाते हैं इनका, अच्छा क्योंकि घर भी बात करनी बात होती है करनी। सब, क्योंकि वो महंगा होता है। तो 4 हजार रुपया, वो 6 हजार रुपया तो इनका ऐसे निकल जाता है। फिर रहना खाना वगैरह ये सब, जी 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 तो ये सब करके फिर लौटते वक्त इनके पास 1-1 हजार डॉलर हम इनको दे देते। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। एक भी कभी कभी तो ओवर एक्सपेंडिचर भी आ जाता है जी इनका, जी 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 तो ऐसे करके इनके लिए भी होता है। तो जब 6 महीने बाद लौट जाते हैं, तो इनके भी वो इस ट्रेनिंग के दौरान उनके गांव के लिए कितने सिस्टम चाहिए, वो सर्किट वगैरह सब कुछ असेंबल करते हैं, यहाँ सीख ही जाते हैं वो कर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, और प्रत्येक गांव के लिए एक रूरल इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप, ये सब वैसा का वैसा ही शिपमेंट भेज दिया जाता है बाई सी। वहाँ कस्टम क्लियरेंस करा के इन तक, गांव तक चला जाता है। फिर वो महिला इंस्टॉलेशन कर देती है, फिर मेंटेनेंस चलता रहता है, और गांव वाले कुछ कंट्रीब्यूशन करके मंथली देते हैं। हमने जो करना है वो तो मध्य प्रदेश में विलेज मथाना है, वहीं करना है, नेशनल लेवल पे करना, अभी इंटरनल लेवल पे तक हमारा अभी समझ नहीं है। तो वहाँ पर कैसे शुरू करना है, और जैसे आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके फंड्स मिलेंगे, ये करेंगे, वो तो फिर प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, वो तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इसमें कि भाई आप हो सकता है कि बंकर जी से भी आप मेल पे संपर्क में रहें, अभी तो है नहीं वो, तो मेल ज़्यादा सुविधाजनक है। ठीक है, कि हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इन क्षेत्र के, हम ऐसे हैं जी, तो आप क्या मदद कर सकते हैं, और महिलाओं को जरूर हम सिलेक्शन करके भेजना चाहेंगे। नहीं, वो तो मैं, हाँ वो तो मैं आपसे समझ रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे पास भगवान की कृपा से कुछ यूएसए के कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि जितना फंडिंग लगेगा हम दे देंगे। जगह वहाँ पर है, गुरुद्वारा बनाया है, तो वहाँ पर जगह भी है कि जहाँ पर यहाँ सीख के उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं जी। तो अगर हमको थोड़ा जल्दी में शुरू करना हो कि भाई आप यहाँ से कोई टीम भेज सकते हैं कि जो वहाँ जाके इंस्टॉल कर दें, और साथ में हम वहाँ वहाँ से टीम भेज दें कि जो ट्रेनिंग लेते रहें, मतलब डिले नहीं करना चाहते थोड़ा सा, मतलब इसको डिले नहीं करना चाहते हम। मतलब गुरुद्वारा में जाएंगे तो किस तरह का सिस्टम जाएंगे? सोलंग जी को पूरा इक्विप्ड करना है, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। अच्छा, पूरे पावर की व्यवस्था ही वहाँ चाहिए आपको। हाँ 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 हाँ। तो और आपको विलेज में भी कम्युनिटी सेंटर हो गया पूरे गांव में सबके लिए। हाँ, तो वो आप गांव में देना है तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल सिस्टम देना चाहिए। हम उसके उसके पक्ष में, ठीक है। अच्छा, मतलब सबका इंडिविजुअल, जैसे हम ये वाला सिस्टम, ये वाला दो लैंप वाला, ठीक है, अपना मोबाइल फोन वगैरह चार्ज कर ले, ये सब कुछ। इसकी क्या कॉस्ट है? इसका 10 हजार कॉस्ट है इसका।
अच्छा, 10,000 कॉस्ट है। तो इसमें कितने घंटे लाइट आएगी इसमें? इससे 3-4 घंटे 5 घंटे तक जा सकते हैं। अच्छा, 300 वाट है। और जो छोटे वाला है? नहीं, ये 37 वाट है। अच्छा, छोटा वाला है 20 वाट का है, ठीक है। ये 75 वाट का है। इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी 18,000 है। और बीच वाले की? बीच वाले की 10,000। और छोटे वाले की? और उसमें एलईडी वाला है तो 8,500 है। 8,500 है, ठीक है। तो गुरुद्वारे के लिए लगाना हो तो गुरुद्वारे के लिए लगाना है तो आपको क्या क्या चाहिए और कितने घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो, अच्छा, वो प्लानिंग डिजाइन करना पड़ेगा, पूरा डिटेल बताना पड़ेगा कि भाई कि इतने घंटे हमें लाइट चाहिए, इतने पंखे चलेंगे, इतनी लाइटें चलेगी, माइक चलेगा, टीवी चलेगा, जो भी आपको चलाना है वो कितने घंटे रन करेगा, उसके आधार पे हम जैसे 3 डेज का ऑटोनोमी लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन बादल रह गए तो उस स्थिति में क्या होगा, तो 3 दिन तक वो, फिर स्टैंड बाई तो आपको कुछ न कुछ तो जनरेटर वगैरह जेनसेट वगैरह रखना पड़ेगा, तो वो किया जा सकता है, उसका अलग से एक डिजाइन होगा और विलेज के लिए आप ये सिस्टम दे सकते हैं, अलग अलग सिस्टम दे सकते। अब जैसे मैं अगर आपको अभी बता दूं कि भाई आधे घंटे में अभी फोन पे बात करके बता दूं कि इतने वाट, 1,000 वाट चाहिए या 300 वाट चाहिए, तो आप हमको 2-3 कैटेगरीज में बता दीजिए कि अगर 1,000 वाट के लिए इतना खर्चा है, 2,000 वाट के लिए, ऐसा कोई आपका पीडीएफ जैसे 1 किलोवाट की कॉस्टिंग करता है 2 लाख, 1 किलोवाट 2 लाख, 2 लाख इंस्टॉलेशन कॉस्ट अलग से, वो पूरा मिला के बताइए ना। हाँ, तो जैसे 10 किलोवाट हो गया, अच्छा, तो 20 लाख प्लस 1.5 लाख के मतलब 1 लाख के करीब इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो 21 लाख बन जाता है। अच्छा, तो ये अगर ये इसके लिए फिर आगे कार्रवाई की जा सकती है कि 30% सब्सिडी भी लिया जा सकता है। उसका कितना टाइम पीरियड लगता है? मतलब देखिए कि वहाँ मिनिस्ट्री में भी बहुत सारी लाइनें लगी हुई होती है, तो 2-3 महीने तो संभव है ही है कि 2-3 महीने निकल जाए। उसके लिए कोई एनजीओ को रजिस्टर करके फिर करना पड़ता है कि कोई एक आदमी भी कर सकता है? कोई भी नहीं, जैसे सिस्टम तो कोई भी ले सकता है। अच्छा। सब्सिडी सबका हकदार है इंडियन का, तो अच्छा, आउट ऑफ कंट्री नहीं दिया जाएगा सब्सिडी, पर हमारे देश का मिनिस्ट्री है तो वो हमें देगी, ठीक है। पर इसमें जो इंस्टॉलेशन करेगा वगैरह का वो सूचना उसको जरूर मतलब वो प्रपोजल सबमिट करेगा मिनिस्ट्री के साथ, आपका एक सहमति लेटर होगा, फिर वो ऐसे करके, ठीक है। तो हम ये चाहते थे कि मैं शुरू में जैसे उन्होंने मतलब मुझे गाइड किया है कि शुरू में गुरुद्वारे के लिए एक बार जल्दी से सेटअप कर दें, उसके बाद धीरे धीरे, अब ये तो लॉन्ग टर्म प्लान है क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ये नियर अबाउट 10 करोड़ ऐसे सिकलिकल बंजारे बैकवर्ड एरिया के पूरे इंडिया में लोग हैं, तो हमने पूरे इंडिया